मंदसौर में जन आशीर्वाद यात्रा के समापन से पहले भाजपा ने प्रदेश में हुए विकास और जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बताते हुए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भाजपा के विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि 3 सितंबर को प्रदेश के 5 स्थानों से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई थी। प्रदेश के 51 जिलों की 210 विधानसभाओं में 10,649 किलोमीटर की यात्रा थी। इस यात्रा में जनता ने पेट भर भर कर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विकास करो तभी जनता के बीच आशीर्वाद लेने जाने की हिम्मत होती है, कांग्रेस तो आक्रोश झेलने जाती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान 14 लाख नए सदस्य भाजपा से जुड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश की जनता को शुद्ध पानी तक नहीं दिया, मेडिकल कॉलेज खोलना तो दूर की बात है। वहीं मंदसौर जिले से उन्होंने कहा कि भाजपा दोबारा सरकार बना रही है और इस बार उनकी पार्टी को 150 से भी ज्यादा सीटें मिल रही हैं। हालांकि वे भाजपा के नारे अब की बार 200 पार वाले सवाल को टाल गए और कहा कि आप देख लीजिए। वित्त मंत्री ने मल्हारगढ़ विधानसभा में मुआवजा राशि में पटवारियों की गड़बड़ी के मामले में दोषियों पर कार्रवाई की बात कही, हालांकि वे ये नहीं बता पाए कि कार्रवाई कब तक होगी। एक वर्ष पहले गड़बड़ी सामने आई थी, जांच में दोषी पटवारियों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं कांग्रेस ने वित्त मंत्री पर ट्रिपल डी यानी कि देवड़ा, डोडाचूरा और डिस्ट्रीब्यूशन के आरोप पर कहा कि कांग्रेसी पगला गए हैं, तेज बुखार आता है तो व्यक्ति सन्निपात में आ जाता है। आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी ही बन गई है। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा 3 सितंबर से प्रारंभ हुई थी, 5 स्थानों से ये यात्रा प्रारंभ हुई। इसका शुभारंभ चित्रकूट से हुआ, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वहां पर मुख्य स्थान है, इसका स्थान का बड़ा महत्व है। वहां से वो यात्रा प्रारंभ हुई और 5 स्थानों से प्रारंभ होकर के यह पूरे मध्य प्रदेश में अनेक विधानसभाओं को टच करती हुई और संवाद करती हुई, रथ सभाएं करके, बड़ी सभाएं करके, जन संवाद करके 25 सितंबर को जम्बूरी मैदान भोपाल पर यह यात्रा का समापन होगा। मध्य प्रदेश के करीब 10 लाख कार्यकर्ता वहां पर एकत्रित होंगे कि कोई तैयारी नहीं। कांग्रेस जनता के बीच में जाकर के कुछ बोल नहीं सकती, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, अब वो विचलित होकर के जनता के बीच में जाकर के अपनी बात रख रहे हैं। जनता फैसला करेगी कौन अच्छा कौन बुरा, यह फैसला जनता करेगी। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में 150 सीट से ज्यादा सीट तो भारतीय जनता पार्टी के पास आएगी और सरकार बनेगी। अब ऐसा आप देख लें, सरकार जो योजनाएं चला रही है और जो सरकार खर्चा कर रही है, अगर कर्जा भी अगर लिया होगा तो सरकार किसी योजना के लिए, डेवलपमेंट के लिए ले रही है। और ये देखो आप, नियम है उसका, FRBM का नियम बना हुआ है, एक लिमिट बनी हुई है, उस लिमिट में कर्जा लेना पड़ता है, समय पर ब्याज देना पड़ता है, समय पे कर्जा देना पड़ता है। और भी नहीं हो रहे हैं। ये निरंतर प्रक्रिया है। देश की कोई भी सरकार, सब सरकारें कर्जा लेती है समय समय पर, लेकिन काम करती है। सरकार लेकर कर्जा लेकर डेवलपमेंट करना कोई बुरा नहीं है, समय पे चुकाना। कांग्रेस की सरकारों ने कर्जा लिया तो मैंने पहले कहा कि उन्हें कर्जा लेके घी पिया, कर्जा लेकर के विकास नहीं किया। तो ये सरकार की निरंतर प्रक्रिया है। बीजेपी ने कुछ कहा भ्रष्टाचार के, तो हम सख्त विरोध में है। अगर कई प्रकार की घटनाएं होती है तो उसके खिलाफ जितनी कानूनी कार्रवाई होती है वो होगी। पटवारी लोग कुछ, अब वो तो एक ही बार 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 ये रिपीट कर सकते हैं। आपकी विधानसभा में पटवारियों घोटाला वाली बात आई थी कि जो किसी का भी घोटाला हो, घोटाले के हम सख्त खिलाफ है, कभी पक्ष नहीं लेंगे, कभी उसके पक्षधर रहे नहीं। सख्त से सख्त कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो कानूनन होना है वो होना चाहिए। तो भी क्यों नहीं हुई अब तक, क्योंकि ऐसा बीत चुका उसे, कार्रवाई होगी अगर कोई गड़बड़ कब तक होगी बताइए। जल्दी से जल्दी हम प्रयास करेंगे जल्दी कार्रवाई, उसकी भी नियम प्रक्रिया है। सर, इतने सालों से आपकी सरकार रही है, सारे कुछ रहे, फिर भी कांग्रेस आप पर कहीं ना कहीं भारी पड़ती नजर आ रही है। मुझे तो नहीं लगता कहीं भारी, कोई भारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का अटूट विश्वास है और अपार उत्साह है और जनता कांग्रेस ने ट्रिपल डी का एक टैग लगा दिया आपके ऊपर की यार रखना है वो कुछ भी निरर्थक है, निराधार है, असत्य है, कुछ भी बोले, बोलने में क्या बिगड़ रहा है उनका।
जो बोलना बोले। ठीक है, थैंक।